नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली दौरे से लौटते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीधे आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर हालात की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने एसीएस राधा रतूड़ी, सचिव आपदा प्रबंधन रणजीत सिन्हा, अपर सचिव गृह रिद्धिम अग्रवाल से पूरे प्रदेश में बारिश के बाद पैदा हुए हालात की जानकारी ली है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पौड़ी और टिहरी के डीएम से भी फोन पर बातचीत की है। मुख्यमंत्री ने टिहरी डीएम से टिहरी बांध के जलस्तर को लेकर भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी छोड़ने की स्थिति में टिहरी बांध से पानी मैनेज तरीके से छोड़ने का प्लान तैयार रखने पर जोर दिया गया है। हालांकि अभी टिहरी बांध का जलस्तर चेतावनी लेवल से बेहद कम है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा से प्रभावित लोगों के लिए हम जल्द ही सभी से विचार विमर्श करने के बाद एक नई नीति लाने जा रहे हैं, जिसके तहत आपदा प्रभावितों का पुनर्वास और रोजगार की व्यवस्था हो पाए। जो बच्चे इस आपदा में अपने माता पिता को खो चुके हैं, उनकी शिक्षा का प्रबंध भी इसके तहत किया जाएगा। और आगे रेड अलर्ट जैसा मौसम विभाग ने बताया, उसके लिए अभी सभी जिलों को बात भी की है, लगातार उनसे संपर्क यहां से स्थापित किया जा रहा है आपदा प्रबंधन विभाग से भी, और मौके पर सभी को तैयार रहने के लिए कहा है। क्योंकि अभी तक का यह है कि आपदा जहां भी आई है, हमारे प्रशासन के लोगों ने, एनडीआरएफ एसटीआरएफ सभी ने अपने अपने तरीके से वहां पर जाकर लोगों के लिए सहायता करने का काम किया है और त्वरित रूप से सहायता की है। इसके अलावा बहुत सारे लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं, बेघर हो गए हैं, अपने परिवार के लोगों को भी लोगों ने इसमें खोया है, तो उनके लिए भी जल्दी ही हम एक योजना ला रहे हैं। इस योजना के तहत एक तो उनका पुनर्वास, दूसरा आगे चलकर उनके रोजगार के लिए प्रशिक्षण, और साथ में जो बच्चे इस आपदा में अपने माता पिता को जिन्होंने खो दिया है, उनके लिए आगे की पढ़ाई लिखाई से लेकर उनकी शिक्षा का इसमें प्रबंध हो। और कोटद्वार में बारिश के चलते मुसीबतें एक बार फिर से बढ़नी शुरू हो गई हैं। तेज बारिश के बाद उफान पर आए तेली स्रोत गदेरे में आए पानी के चलते सैलाब के बीच एक कार फंस गई। गनीमत रही कि कार सवार युवक को समय रहते स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। किशनपुरी मार्केट से सिगड्डी ग्रोथ सेंटर जाने के लिए तेली स्रोत बरसाती नाले को पार करना पड़ता है और भारी बारिश के चलते गदेरे में अचानक से पानी के सैलाब आ जाने से एक कार बीच में ही फंस गई। गदेरे का पानी लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसके कुछ देर बाद ही कार गदेरे में बहने लगी। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरीके से कार सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। उधर बागेश्वर में भी तेज बारिश ने नदियों और बरसाती नालों में उफान ला दिया है। जिले में हो रही बारिश के चलते सरयू और गोमती नदी भी उफान पर है। सरयू का तेज बहाव अब डराने भी लगा है। वहीं नदी का बहाव तेज होने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की अपील भी प्रशासन की तरफ से की जा रही है। कैसे हालात बागेश्वर में बने हुए हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। तमाम नदी नाले गदेरे इस वक्त उफान पर है। उधर देहरादून में देर रात बारिश का कहर देखने को मिला। तेज बारिश की वजह से सड़कों पर नदियां बहने लगी। वहीं पानी के तेज बहाव में कई गाड़ियां भी फंस गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पानी के बहाव में बाइक गिर गई। वहीं स्मार्ट सिटी इलाके में जलभराव से लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून शहर के कैसे हालात हैं, ये भी आप देख सकते हैं। देर रात तेज बारिश हुई है और इस बारिश के चलते शहर की तमाम सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न हो गई। कोटद्वार के पहाड़ी इलाकों में देर रात से ही आफत की बारिश जारी है। वहीं सिद्धबली मंदिर के पास भूस्खलन होने से सड़क बंद हो गई। तेज बारिश के बाद नदी और बरसाती नाले उफान पर हैं, जो लोगों के लिए भारी मुसीबत बने हुए हैं। वहीं लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। कोटद्वार की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर लगातार हो रही बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ है। सिद्धबली मंदिर के पास ये भूस्खलन हुआ है। राहत की बात यह कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन तमाम जगहों पर रास्ते बाधित हो गए हैं भूस्खलन की वजह से। परेशानी, गाड़ी हमने कोटद्वार खड़ी कर दी, अब हम पैदल जा रहे हैं घर।
बहुत बुरा हाल है। क्या कुछ सुनना है, क्या क्या स्थिति है? बहुत रोड रोड सब बंद है, मतलब पूरा तीन चार जगह खराब है। अब तो बस पैदल ही जाना है घर, आम तोड़ के बाद देखेंगे। तो पैदल भी बहुत डेंजर है, मतलब पैदल भी जाना तो है, अब क्या करना है। और हमारे सहयोगी अनुपम इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुपम, इस वक्त वहां पर क्या हालात हैं, उसके बारे में अपडेट दीजिए, और क्या रास्ता खुल पाया है? देखिए, देर रात से जो भारी बारिश है पूरे पहाड़ी इलाकों में चल रही है, साथ ही कोटद्वार में भी चल रही है, और लगातार जो पौड़ी कोटद्वार जो हाईवे है वो लगातार बंद होता जा रहा है। दुगड्डा से कोटद्वार के बीच जो 15 किलोमीटर का जो रास्ता है उस पर भारी भूस्खलन हुआ है। इससे पहले भी जब बादल फटे थे उसके बाद से ही हालात पूरे खराब हो चुके हैं, सड़कें जगह जगह ढह चुकी हैं, और इसका नतीजा है कि जब भी बरसात हो रही है तो वो सड़कें अपने आप बंद हो जा रही है क्योंकि भूस्खलन लगातार इसमें जा रहा है। फिलहाल जो एनएच की टीमें हैं वो लगातार कोशिश की जा रही है कि जो रास्ते हैं, जो यात्री फंसे हुए हैं बीच में, उनको जो उनका रास्ता है वो खोला जाए और उनको वापस किया जाए, लेकिन अभी भी जो बारिश है वो लगातार जारी है, इसी कारण जो मुसीबत है वो बढ़ी हुई है, और फिलहाल कोशिश की जा रही है कि रास्ता खुल जाए। जी, बहुत शुक्रिया अनुपम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। उधर टिहरी में भी बारिश के बाद एक बार फिर से लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे 94 बंद हो गया है। बगड़धार के पास भारी मलबा आने के चलते हाईवे बंद हुआ है। हालांकि प्रशासन की टीम हाईवे को खोलने की कवायद कर रही है, लेकिन बारिश की वजह से हाईवे को खोलने में अभी कामयाबी मिल नहीं पाई है। सड़क बंद होने से यात्री फंसे हुए हैं। तस्वीरें देखिए आप, नेशनल हाईवे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर भूस्खलन के चलते मलबा रास्ते पर आ गया है। नेशनल हाईवे बंद हो गया है बगड़धार के पास, जैसे यात्रियों को आने जाने में परेशानी हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जेसीबी की मदद से प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द रास्ते को खोला जा सके। उधर चमोली में भी आफत की बारिश हुई है, जगह जगह सड़क बंद हो गई है, और इसके चलते ग्रामीण इलाकों में समस्याएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। ग्रामीण इलाकों में खाद्यान्न संकट भी गहराने लगा है। जिले में 50 से अधिक सड़कें बारिश के बाद बंद हो गई हैं। हालांकि सड़कों को खोलने का काम अभी किया जा रहा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश बार बार चुनौती पैदा कर रही है। हालांकि प्रदेश में हो रही बारिश के बीच मौसम विज्ञान केंद्र ने एक बार फिर से आफत की बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। 24 अगस्त तक 7 जिलों में भारी से भारी बारिश की आशंका जताई गई है। ये जिले हैं टिहरी, देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, इसके साथ ही नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर, जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद शासन ने सभी 7 जिलों के डीएम को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं कई जिलों में बारिश लगातार हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि 7 जिलों में भारी बारिश होगी, खासतौर पर 22, 23 और 24 अगस्त को। इसी को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा है। देहरादून की बात करें तो सोमवार रात से ही तेज बारिश का सिलसिला जारी है, और मंगलवार सुबह आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी तेज बारिश राजधानी देहरादून में है। खासतौर पर अंधेरा किस तरीके का है कि कई गाड़ियां यहां पर हेडलाइट जलाकर चल रही है, तो मौसम का जो पूर्वानुमान था वो बिल्कुल सटीक यहां पर बैठा है। और अगले 3 दिन 7 जिलों को सतर्क रहने की जरूरत है। और अब तक हमने मॉनसून सीजन में देखा है कि बारिश कहीं ना कहीं पूरे राज्य पर भारी पड़ी है, ऐसे में जरूरी है कि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। कैमरा से राकेश यादव के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। उधर टिहरी के चंबा में दर्दनाक हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। देर रात SDRF ने एक और शव मलबे से बाहर निकाला। मरने वालों में एक बच्चा और 2 महिलाएं और साथ ही 2 पुरुष शामिल हैं। सोमवार को चंबा थाने के पास बनी पार्किंग के ऊपर पहाड़ी से भारी मलबा आ गया था। मलबे की चपेट में गाड़ी में बैठे लोग आ गए थे, वहीं कुछ गाड़ियां और दुपहिया वाहन भी मलबे की चपेट में आए थे। और अभी का जो अपडेट है उसके मुताबिक मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई। बरामद किए हैं और सभी को पंचनामा करके आगे कार्रवाई की जा रही है। इसमें 4 शव जो हैं उनको परिवारजनों को सुपुर्द कर दिए गए हैं, जो एक फाइनल जो शव है उसके परिवारजन भी अभी लेंगे सबको, और मुआवजे की धनराशि भी वितरित की गई है। साथ ही जो एक्सीडेंट हुआ है वहाँ के आसपास के जो संवेदनशील घर हैं उनको भी हमने, 4 ऐसे मकान हैं उनको हमने खाली कराया है।
उत्तरकाशी में यमुना नदी में बहने से एक यात्री की मौत हो गई। यमुनोत्री हाईवे पर किसाला के पास सुबह नहाते वक्त यात्री नदी के तेज बहाव में बह गया। वहीं सूचना के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर शव बरामद किया। यात्री महाराष्ट्र का रहने वाला बताया जा रहा है। खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री उदयमान योजना विभागीय कागजी कार्रवाई में फंसकर रह गई है, जिससे कई खिलाड़ी प्रोत्साहन राशि से वंचित रह गए। प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए बीते साल मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत हर जिले में 300 लड़के और लड़कियों का चयन कर उन्हें हर महीने 1500 रुपए की छात्रवृत्ति दी जानी है। हरिद्वार में खेल विभाग ने चयन प्रक्रिया को तो पूरा किया, लेकिन चयनित खिलाड़ियों में से 56 खिलाड़ी स्थायी निवास प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज जमा नहीं कर पाए, जिसके चलते ये खिलाड़ी छात्रवृत्ति से वंचित रह गए। हालांकि अधिकारी इस साल शुरुआत में ही सभी कागजी कार्रवाई पूरी कर लेने की बात कह रहे हैं। पिछली बार जो प्रॉब्लम आई थी वो स्थायी निवास की आई थी, और इस साल हमने ट्राई किया कि स्टार्टिंग से ही बच्चों के स्थायी निवास आ जाए, तो हमारे अभी लगभग 300 तो पूरे हो गए हैं, लेकिन स्थायी निवास जो हैं बच्चों के वो अप्लाइड हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो भी अप्लाइड है वो क्लियर हो जाए। मैदान पर पसीना बहाने वाले खिलाड़ी मानते हैं कि ज्यादातर खिलाड़ियों के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसीलिए उन्हें छात्रवृत्ति मिलने से काफी फायदा पहुंचता है। लेकिन सिर्फ कागजी औपचारिकताएं पूरी नहीं होने पर छात्रवृत्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, इससे कई खिलाड़ियों की प्रैक्टिस बीच में ही छूट जाती है। बहुत बुरा लगता है, क्योंकि बहुत से लोग नए आए होते हैं शहर में रहने के लिए, उनके पास डोमोसाइल वगैरह की बहुत दिक्कत होती है, नहीं हो पाता है, वो इस वजह से खेल भी नहीं पाते। बहुत अच्छे खिलाड़ी वो नहीं खेल पाते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है सर। किट नहीं खरीद पाते कुछ लोग, सिंपल खेलते हैं कुछ। प्रदेश की खेल प्रतिभाओं में निखार लाने के लिए सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है, लेकिन योजनाओं को अमली जामा पहनाने में विभागीय अधिकारियों की लापरवाही कई खिलाड़ियों के सपनों पर भारी पड़ रही है। न्यूज 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे नशे के कारोबार को देखते हुए अब उत्तराखंड पुलिस नशे के छोटे पेडलर्स के जरिए नशे की जड़ पर कार्रवाई करने की तैयारी में है, जिसके लिए बरेली और बदायूं क्षेत्र में 2 से 3 नशे के बड़े तस्करों को चिन्हित किया गया है। दरअसल बीते 6 महीनों में उत्तराखंड पुलिस और एसटीएफ ने नशे के तस्करों पर जमकर कार्रवाई की है और इन तस्करों को अरेस्ट कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। इनसे मिली जानकारी के बाद एसटीएफ ने 2 से 3 बड़े तस्करों को बरेली में चिन्हित किया है, जिसमें से एक मार्कंडेय जायसवाल है, जिस पर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन कर पुलिस इसके ठिकानों पर छापेमारी करेगी। कोई भी तस्कर पकड़ा जाता है इसमें के साथ में, तो वो किससे लेकर आया है उसकी विस्तृत पूछताछ करके, और जो जिस व्यक्ति से लेकर आया है उसका भी नाम खोला जाता है। जैसे कि एनडीपीएस एक्ट में धारा 29 में प्राविधान है कि जो लोग सप्लायर्स हैं, जो लिंकेजेस हैं, उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है, तो उसमें कार्रवाई की जा रही है। और लगातार हम लोग इसमें जो बरेली के जो लोग हैं जिनके थ्रू ये आ रहा है, सप्लाई हो रही है, उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। पौड़ी जिले की नदियों में खनन तो हो रहा है, लेकिन सरकारी खजाने में बहुत कम पैसा पहुंच रहा है। डीएम आशीष चौहान ने जब अलग अलग डिपार्टमेंट की मीटिंग ली तो पता चला कि अकेले खनन से साल में 46 करोड़ रुपया सरकारी खजाने में जुटाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अभी तक सिर्फ 8.5 करोड़ रुपये ही जुटाए जा सके हैं। गौरतलब है कि समय समय पर पौड़ी समेत प्रदेश के कई जिलों में अवैध खनन की खबरें आती रहती हैं और उससे सरकारी खजाने को चपत भी लगती है। इसी तरह शराब बेचने वाले आबकारी विभाग से साल में तकरीबन 1.6 अरब कमाने का टारगेट रखा गया है, लेकिन अभी तक 60 करोड़ ही जुटाए जा सके हैं। इसके पीछे अवैध शराब की खपत एक बड़ी वजह मानी जाती है। वहीं फॉरेस्ट और आरटीओ ऑफिस भी कमाई के मामले में काफी पीछे हैं। डीएम ने सभी विभागों को कमर कसने की सलाह दी है। समिति माननीय चीफ सचिव के स्तर से गठित की गई थी, जिसमें जिला स्तर पर राजस्व संवर्धन से संबंधित विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हुए राजस्व की वृद्धि के प्रयास किए जाने और इसकी मासिक स्तर पर समीक्षा की जानी, उसी क्रम में हम लोगों ने विभिन्न विभागों की बैठक की और उनकी प्रगति की समीक्षा की गई।
उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर सोमवार की शाम पौड़ी श्रीनगर नेशनल हाईवे से अतिक्रमण हटाने के लिए टीम पहुंची थी, लेकिन प्रशासन की टीम को व्यापारियों और यूथ कांग्रेस के हंगामे का सामना करना पड़ा और टीम को बिना अतिक्रमण हटाए ही वहां से वापस लौटना पड़ा। दरअसल जेसीबी मशीन के साथ प्रशासन की टीम नेशनल हाईवे के आसपास बसी 34 दुकानों को तोड़ने के लिए पहुंची थी, लेकिन प्रशासन की टीम के मौके पर पहुंचते ही व्यापारियों ने हंगामा शुरू कर दिया। व्यापारियों का कहना है कि हाईवे की जद में कई दुकानें और भवन भी आ रहे हैं, पर एक्शन छोटे व्यापारियों पर ही हो रहा है। एकदम से बुलडोजर आ गया, शासन प्रशासन यहाँ पे आ गया, हमें कोई सूचना नहीं, हमने 2-3 लाख का माल भर रखा, कहाँ ले जाएंगे उसको? एक हफ्ता पहले, एक महीने पहले ये बता दे कि भाई निश्चित है इन्होंने टूटना है, तुम अपनी व्यवस्था करो, तो हम अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। और नगर पालिका इनको यहाँ पे दुकानें बना करके दे रही है, और वो जो एफिडेविट था वो उस समय 1 वर्ष के लिए हुआ था, और तब से अब तक वही एफिडेविट जो है निरंतर चलते जा रहा है। स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन मात्र यहाँ सहयोग के लिए उपस्थित है, और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में ये सारी कार्रवाई। कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में आपदा के 2 हफ्ते बाद भी पानी का संकट बना हुआ है, कई इलाकों में लोग पानी के लिए आज भी परेशान है। आठ अगस्त की रात हुई जबरदस्त बारिश हल्द्वानी की सड़कों को भले ही तरबतर कर गई हो, लेकिन यहां के कई मोहल्ले आज भी पीने के पानी को तरस रहे हैं। गोला बैराज और शीतलाहाट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दोनों के टूटने के कारण दमुआ ढूंगा, काट गोदाम और बद्रीपुरा जैसे कई इलाके हैं जहां वाटर सप्लाई आज भी सामान्य नहीं हो पाई है और पानी के लिए लोग परेशान हैं। यहां पर कम से कम 150 घर जो है आपदा के बाद पानी की वजह से जूझ रहे हैं, और अभी भी स्थिति यह है कि कितने घरों में, बहुत सारे घरों में यहाँ पर पानी नहीं आ रहा अभी, और आदमी परेशान है पानी की वजह से। हालांकि जल संस्थान का दावा है कि उनकी टीम स्थितियाँ सामान्य करने में लगी हुई है और काफी हद तक लोगों के घरों में पहले की ही तरह नलों से पानी पहुँचने लगा है। तो हमने आपूर्ति सामान्य सुचारू कर दी है। कलसिया से जो क्षेत्र और शीतलाहाट का क्षेत्र था, बद्रीपुरा का हो गया, कुछ एरिया डम्बा डुंगा का था, जमरानी साइड का जो एरिया था आपका, वहाँ पर हमने अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत जलापूर्ति सुचारू कर दी है, और जिन क्षेत्रों में अभी भी पानी की समस्या आ रही है वहाँ टैंकरों के माध्यम से पेयजल वितरण करा रहे हैं। जाहिर है दावे और हकीकत में काफी फर्क है, पर उम्मीद पर दुनिया कायम है। हाथों में खाली बाल्टी लेकर टैंकरों के आसपास भटकते ये लोग भी जल्द ही राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।